बहुत सालों पहले मेरे पिताजी से मेरी बहस हुई थी। बहस इस बात पर हुई थी कि भगवान कौन है या किसे भगवान पुकारा जाए। मुझे याद है मैं MBBS फर्स्ट ईयर में था और उस समय मैंने आचार्य रजनीश को पढ़ना शुरू किया था एकदम शुरू शुरू में, और मैं पूरी तरह से पागल हो गया था उनकी किताबों को पढ़ते पढ़ते। मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज की बुक्स को पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, टाइम नहीं मिलता था, मुझे पता था वेस्टेज ऑफ टाइम है। और मैंने मन ही मन ओशो को, रजनीश को अपना गुरु और बाद में अपना भगवान मान लिया था। ये काफ़ी समय तक ये सिलसिला चला, और जब मेरे पिताजी से मेरी बहस हुई तो इसी बात पर हुई कि आप इस गणेश की मूर्ति को या राम की फ़ोटो को भगवान मानते हैं, लेकिन मेरे भगवान ये हैं। मैं ओशो को पॉइंट आउट करता था कि ये मेरे भगवान हैं, लेकिन ये इल्यूजन भी मेरा ब्रेक हुआ, क्योंकि जिसको मैं भगवान मानता था ओशो को, या जिसको मेरे पिताजी भगवान मानते थे गणेश की मूर्ति को या राम की फ़ोटो को, ये दोनों ही भगवान नहीं हैं। भगवान कुछ और है, भगवान कहीं और है। इनफैक्ट इस तरह से जब हम बात करते हैं भगवान, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भगवान एक पर्सनैलिटी के फॉर्म में हमको समझ में आता है, और वही सबसे बड़ा ख़तरा है। मैं फिर से कहूँगा, स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग स्टेप्स के ज़रिए मैं गुज़रा हूँ। एकदम बचपन में तो जैसे माँ बाप कहते थे वैसे पूजा पाठ करते थे, उसमें डर बहुत बड़ा इन्वॉल्व था बिकॉज़ पेरेंट्स, सोसाइटी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर कि अगर सच में भगवान है और मेरी इस थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ करने से भगवान खुश हो जाते हैं तो मेरे काम अगर निपट जाते हैं तो क्या बुरा। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे लगा कि जैसे मैं समझ रहा हूँ, ओशो को पढ़ के लगा कि मैं समझ रहा हूँ, और इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर भगवान नहीं है तो कौन हो सकता है। और ओशो जिस समझदारी के साथ, जिस सटलिटी के साथ अपने आप को भगवान कहलवाते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी अपने आप को भगवान कहा है, लोग मुझे भगवान बुलाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, जब मैं ओशो को पढ़ रहा था और जब ओशो की बुक्स को पढ़ते पढ़ते मैं उन्हीं के मुंह से सुन रहा हूँ कि वो खुद को भगवान नहीं बुलाते हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अच्छा आदमी है, खुद को भगवान नहीं बुलाता और लोग इनको भगवान बुलाते हैं तो क्या बुरा। मैंने उनको भगवान मान लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा इल्यूजन था। अब मैं सोचता हूँ जाकर के, अगर मैं थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करता हूँ, गहराई से देखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने उस समय ओशो को या रजनीश को भगवान क्यों मान लिया, जो मेरा माइंड मुझे बता रहा है वो ये है कि एक ऐसा आदमी जो मुझे इंटेलिजेंट फील कराता है वही मुझे पसंद आता है। देखिए, किताबों के साथ तो हम लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता ही है स्कूल्स में, लेकिन जितनी बार हम लोग किताबें पढ़ते हैं, कितनी भी हमारी पसंदीदा किताबें हों, उसको पढ़ने के बाद हमारे स्कूल्स के एग्ज़ाम्स, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमको छोटा ही महसूस करवाते हैं। एग्ज़ाम्स में कितने भी अच्छे नंबर आए हम लोग छोटा ही महसूस करते हैं, लेकिन जब ओशो को आप पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको मज़ा तो आता ही है, एन्जॉयमेंट तो आता ही है, लेकिन वो इतनी गूढ़ चीज़ों को इतना ज़्यादा आसान और इतने ढेर सारे एग्जाम्पल्स और स्टोरीज़ के ज़रिए समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि लगने लगता है कि हम इंटेलिजेंट हो गए। ये सबसे बड़ी ताकत भी थी ओशो की कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को रिसर्च करते थे, पहले से खोज खोज कर कहानियाँ और चुटकुले इकट्ठे करते थे कि किस समय कौन सी कहानी बोली जाएगी। और यही सबसे बड़ा कमज़ोरी भी था ओशो का कि वो चीज़ों को आसान करके हमको समझाते थे। ये तकरीबन ऐसा ही था जैसे कोई आदमी आपके पैरों को मजबूत कराना चाहता है ताकि आप दौड़ सकें, चल सकें, लेकिन वो आपको गोद में लेकर के भागे। अगर कोई आदमी आपको गोद में लेकर भागता है तो आपके पैर मजबूत नहीं होंगे, इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा, आपके पैर कमज़ोर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 5 से 10 साल का पीरियड मेरा चला, मेरा अफेयर चला एक तरह से ओशो की टीचिंग्स के साथ, उनकी किताबों के साथ, और मैंने सब कुछ त्याग दिया था एक तरह से। मेरे पेरेंट्स डर गए थे कि मैं शायद ओशो सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन आज मैं घूम कर देखता हूं तो वो इसलिए था क्योंकि एक आदमी मुझे फील कराता है बहुत ही ताकतवर, बहुत ही इंटेलिजेंट,
और साथ ही साथ वो जितने भी मेरे अंदर में अपने बारे में जो गिल्ट थे, ग्लानी थी और सप्रेशंस था, उसको निकलने का मौका मिलता है। ये ऐसा ही था जैसे ओशो ने उस जेल के दरवाजे को खोल दिया जिसमें मैं बहुत सालों से बंद था। भागे, बाहर निकल के भागे, खूब दौड़े, खूब एंजॉय किया लाइफ को, लेकिन जब दौड़ दौड़ के थक गए तब भी लाइफ वहाँ नहीं पहुँची जहाँ पर सोचा था, जहाँ पर ओशो ने पॉइंट आउट किया था कि ये ट्रूथ है, ये ब्रह्म है, ये सेल्फ है, ये विटनेस है, वहाँ नहीं पहुँचे। खोजते रहे और फिर भी नहीं पहुँचे। वापस आकर जब ओशो को पढ़ा तो बस इंटेलिजेंट फील करते रहे, इंटेलिजेंट थे नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बोर्डम, मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ, मेरे रिलेशनशिप के इश्यूज़, और सबसे एक बड़ी चीज़ की उनको पढ़ने के बाद लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, अपने फैमिली, अपने करियर, सब कुछ छोड़ करके बस स्पिरिचुअल लाइफ में जुट जाओ। बाद में मुझे पता चला कि खुद गवर्नमेंट जॉब करते थे ओशो, और उनकी अपनी खुद की इनकम इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा थी। आज चूँकि मैं आज 40s की उम्र में हूँ और मैं देख सकता हूँ कि मुझे अगर अपने परिवार को पालना है तो उसकी इनकम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तो जो एक टीनेजर था जो वैसे भी बहुत पैसे कमाता नहीं था जब मैं यंग था, तो वैसे भी जब आप पैसा नहीं कमाते तो आपको पैसे की वैल्यू लगती भी नहीं है। ओशो खुद गवर्नमेंट जॉब करते थे काफ़ी टाइम तक, उसके बाद जब उनकी फॉलोइंग बढ़ना शुरू हुई, उनके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और पैसे दे करके उनकी बातें सुनने को तैयार थे, उनकी किताबें बिकना शुरू हुई, उनके कैसेट्स बिकना शुरू हुए, तब जा कर के उन्होंने अपना छोड़ दिया, जो जॉब छोड़ दी। लेकिन हम लोगों को उनकी किताबों के जरिए जो इल्यूजन मिला वो ये था कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, जो कम्प्लीटली सच नहीं है। जब उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, एक नहीं 93 रोल्स रॉयस खरीदी, चाहे उनके फॉलोअर्स नहीं खरीदा उनके लिए, बट उनके पास थी हज़ारों एकड़ लैंड, उनके आश्रम, उनके महंगे कपड़े, उनके महंगे महंगे जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, वो सब अगर उनके पास था तो वो था, भले वो आश्रम के नाम से हो लेकिन उन्हीं के पास था। तो वो अपने आप को भगवान क्यों बुलवाते थे? वो कहते थे कि मैं भगवान इसलिए बुलाता हूँ ताकि तुम भी मेरे पास रहो और तुम भी मेरे अंदर की जो भगवत्ता है उसको टच कर सको, और तुम्हारे अंदर भी अपने आप को, अपने अंदर, खुद के अंदर भगवान को एक्सपीरियंस कर सको। ये बड़ी ही बेतुकी सी बात लगती है आज मुझे, क्योंकि अगर मुझे अपने अंदर भगवान को पाना है तो क्या मुझे कहीं तीसरी जगह जाकर के किसी तीसरे आदमी के पास रहना होगा? ये सबसे बड़ा कांटा है जिसमें कि टीचर्स, स्पिरिचुअल लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। वो यही कहते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स थे ओशो के कि मैंने अपने अंदर में एनलाइटेंड पा लिया है, मैं अपने अंदर के भगवान को जानता हूँ, और अगर तुम अपने अंदर के भगवान को जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ जुड़ो। और जुड़ने का मतलब क्या है? अपनी सारी, अपना सारा समय, अपना सारा रुपया पैसा, अपने सारे मेहनत, वो सब कुछ मुझे दो, ओशो को दो। बहुत दिन चला नहीं इसीलिए क्योंकि हमको किसी और से क्लैरिटी नहीं आती है। अगर हमको कहीं से क्लैरिटी आने वाली है तो वो हमारे घर से, अपने घर से आने वाली है। और ये अपना घर वो भी नहीं है जो जो आपको परेशान करता हो, आपको अपना खुद घर बनाना होगा। मुझे याद है जब मैं पेरेंट्स के साथ रहता था तो मैं 4 किताब खरीद करके अपने घर में नहीं रख सकता था, कहीं ना कहीं उससे हमारे पेरेंट्स को दिक्कत होती थी। आज मैंने खुद का अपना एक स्टडी सेंटर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों की मदद से, और वहाँ पर किताबें हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम मेडिटेट कर सकते हैं। और खाली मैं नहीं, हमारे ऑलमोस्ट 15-20-25 जिनोगियों को मैं जानता हूँ जिनके घर में मैं जाकर के देख के आ चुका हूँ। सबका अपना एक ऐसा कोना है जहाँ पर वो खुद के साथ रहते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी लड़ाई के। तो कहीं ना कहीं ओशो के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ स्पिरिचुअल दुनिया से, लेकिन वो फाइनल क्लैरिटी ओशो की वजह से नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ओशो भगवान थे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको भगवान मानते हैं, और बड़ी खुशी भी होती है और दया भी आती है इन लोगों के ऊपर कि अभी भी वो एक इंसान को, हाड़ मांस के पुतले को भगवान मानते हैं।
भगवान मतलब होता है एक अंदर की लाइट, एक अंदर की क्लैरिटी, और क्लैरिटी के साथ साथ इतनी ज़्यादा ऊर्जा जो हमारे अंदर महसूस होती है, और ये खुद से ही आती है, कहीं और से नहीं आती है। जैसे हम जन्म खुद से लेते हैं, जैसे हमने चलना खुद से सीखा है, जैसे हमने हर चीज़ हमारी लाइफ में खुद से आई है, ऐसे ही ये क्लैरिटी भी खुद से आती है। टीचर्स का रोल बहुत बड़ा है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रोल ये नहीं कहता कि आपको केवल उन्हीं से ही एनलाइटनमेंट मिलेगा। बिल्कुल, जब आपको किसी से हेल्प मिलेगी तो आप कृतार्थ होंगे, आप उनको अपनी सब कुछ देना चाहेंगे, डेडिकेट करना चाहेंगे, लेकिन ये क्लैरिटी के बाद का स्टेप है। इसको टीचर्स ने क्लैरिटी के पहले का स्टेप्स बना दिया है कि तुम मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, मेरी किताबें पढ़ो और तुम्हें एनलाइटनमेंट मिलेगा। नहीं, आप खुद के अंदर जब पाते हैं रोशनी, तब आप वहीं जाते हैं जहाँ पर आपको रोशनी और मिल रही है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अपने अंदर पहले पाना है और कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पर आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक जिनोगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमी धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए जेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियाँ हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी एक और कभी दो वीडियोज़ हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुँचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।